Swayam Prabha, Digital India, Educated India. वेल नेम इज डॉक्टर अजय कुमार सिंह असिस्टेंट प्रोफेसर फैकल्टी ऑफ लॉ बी एच यू दिस इज माई फोर्थ चैप्टर और मैं चूंकि विषय प्रस्तुतिकरण का विषय रखा हूँ हिंदी माध्यम और यह हिंदी माध्यम प्रतियोगी छात्रों को ध्यान में रखते हुए मैंने लॉ ऑफ क्राइम के अंतर्गत फोर्थ चैप्टर को आज uh, इस व्याख्यान में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे चूंकि यह आपराधिक विधि द्वितीय जिसे हम क्रिमिनल लॉ टू लॉ क्राइम टू या सीआरपीसी आर दंड प्रक्रिया संहिता की भी के नाम से भी इसको जानते हैं तो दंड प्रक्रिया संहिता उन्नीस के अंतर्गत किसी आपराधिक मामले में संज्ञान लेने की प्रोसीजर क्या प्रक्रिया है उसको कैसे समझेंगे मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है इस स्लाइड को आप देखें मैंने आपराधिक मामलों में संज्ञान के लिए धारा एक 190 से एक तक जहाँ तक ये है उसको मैंने लिखने का प्रयास किया है पहले इसमें देखेंगे संज्ञान की परिभाषा क्या है और अन्वेषण का आदेश संज्ञान नहीं है कोर्ट ऑफ कंग संज्ञान न्यायालय किसको कहते हैं फिर मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि परिवाद पर संज्ञान पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान संज्ञान स्वयं लेना फिर यदि परिवाद पर संज्ञान लिया गया है तो क्या प्रक्रिया होगी और परिवादी की परीक्षा या परिवाद का संबंधित पुलिस थाने को रेफर करना तो इसमें पहले देते हैं संज्ञान की परिभाषा संज्ञान क्या है यद्यप की दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत संज्ञान शब्दावली को परिभाषित नहीं किया गया है परन्तु संज्ञान का शाब्दिक अर्थ टू बिकम अवेयर है इंग्लिश में इसको बोलें टू बिकम अवेयर अर्थात न्यायालय के द्वारा अपराध के विषय में संसूचित होना यह संज्ञान कहलाता है आपराधिक मामलों में न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया कब कहा जाएगा यह न्यायालय के द्वारा संज्ञान कब कहा जाएगा इसका शाब्दिक अर्थ संक्षेप में न्यायालय के द्वारा अपराध के विषय में संसूचित होना जानकारी लेना यह न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया कहा जाता है यह उसकी संक्षिप्त परिभाषा हो गई अब संज्ञान न्यायालय आपराधिक मामलों में किन किन आधारों पर ले सकता है तो स्वयं धारा एक सौ नब्बे एक के अंतर्गत ये बताया गया है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग तीन आधारों में से किसी एक आधार पर संज्ञान ले सकता है धारा एक एक क के अंतर्गत परिवाद के आधार पर आपराधिक न्यायालय संज्ञान ले सकता है दूसरा है पुलिस रिपोर्ट पर आपराधिक न्यायालय संज्ञान ले सकता है तीसरा है स्वयं की जानकारी पर स्वयं की सूचना स्वयं की जानकारी पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग संज्ञान ले सकता है तो इस धारा एक सौ नब्बे एक एक सौ नब्बे एक के अंतर्गत हम दो बातों को समझ पाए वह यह कि किन किन आधारों पर आपराधिक न्यायालय संज्ञान ले सकता है तो वह परिवाद पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है या स्वयं की जानकारी पर न्यायालय संज्ञान ले सकता है कौन से न्यायालय को संज्ञान न्यायालय बोलते हैं तो ये धारा एक एक में ही लिखा हुआ है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अपराध का परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर या स्वयं की जानकारी पर संज्ञान ले सकता है इस धारा को थोड़ा और भी हम गंभीरता से लें इसमें जो शब्दावली वर्ड यूज जो शब्दावली प्रयोग की गई है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अपराध का अब किसी भी एनी ऑफेंस चाहे वह हत्या का मामला हो चोरी का मामला हो न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग हत्या जैसे मामले का संज्ञान ले सकता है चोरी जैसे मामले का संज्ञान ले सकता है किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है किन आधारों पर या तो उसको मजिस्ट्रेट को परिवाद किया गया है या मजिस्ट्रेट को पास पुलिस ने चार्जशीट भेजा आरोप पत्र पुलिस रिपोर्ट भेजा है पुलिस रिपोर्ट पर वह अपराध के विषय में जानकारी हासिल कर सकता है और आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर हो सकता है या स्वयं उसके समक्ष अपराध हो गया तो स्वयं की जानकारी के आधार पर वह अपराध के विषय में संसूचित हो सकता है और आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर हो सकता है तीन परिस्थितियां हैं तो अब यहां पर हमने जो शब्दावली किया धारा एक सौ नब्बे के अंतर्गत कि एनी मजिस्ट्रेट एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग किसी भी अपराध का संज्ञान ले सकता है तो अपराध का संज्ञान लेना अपराध अपराध के विषय में अपराधी के दोषी या निर्दोष होने के विषय में न्यायालय के द्वारा निर्णय नहीं लिया जाता इसीलिए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को ही अधिकृत कर दिया गया है सशक्त कर दिया गया है कि वह किसी अपराध का संज्ञान ले सकता है और किसी भी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा लिए गए संज्ञान को चाहे वह उस मामले में दंड देने की अधिकारिता रखता हो या न रखता हो उस उस मामले में ट्रायल करने की विचारण करने की पावर रखता हो या न रखता हो संज्ञान ले सकता है तो संज्ञान लेने का केवल और केवल यह अर्थ है कि न्यायालय के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा प्रथम दृष्टिया उस अपराध के विषय में अवगत होना कि वास्तव में अपराध हुआ है या नहीं है केवल एक इस निष्कर्ष पर पहुंचना चूंकि अभियुक्त के विषय में दोषी या निर्दोष होने का निर्णय नहीं ले रहा है इसलिए संज्ञान जो कोर्ट होते हैं जो कोर्ट ऑफ कन्विजेंस है वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को सक्षम न्यायालय माना गया है अब आते हैं एक एक करके इसको व्याख्या करेंगे परिवाद के आधार पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा संज्ञान लिया जाना कैसे इसको देखेंगे परिवाद की परिभाषा सीआरपीसी की धारा टू घ में टू डी में दी गई है कि परिवाद से तात्पर्य किसी भी व्यक्ति के द्वारा मौखिक या लिखित मजिस्ट्रेट को कार्रवाई करने के लिए किया गया आवेदन परिवाद कहलाता है अब परिवाद किसी भी व्यक्ति के द्वारा किसी अपराध के लिए किसका मतलब यह हो गया कि परिवाद किसी भी अपराध के विषय में हो सकता है जहाँ पर परिवादी के द्वारा कंप्लेनेंट के द्वारा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से परिवाद किया गया शिकायत किया गया वहाँ पर परिवाद स्वीकार करने के पश्चात परिवाद प्राप्त होने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को दो विकल्प प्राप्त हैं इसको क्रमशः देखेंगे क्या दो विकल्प प्राप्त हैं या तो न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवाद के आधार पर स्वयं आगे कार्रवाई कर सकता है या परिवाद को कंप्लेंट को संबंधित थाने को रेफर कर सकता है कि इस मामले में अन्वेषण करके पुलिस मेरे समझ आरोप पत्र पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत करे जहाँ पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा परिवाद को स्वीकार कर उस कंप्लेंट को पुलिस संबंधित संबंधित थाने के भाषाधक अधिकारी को रेफर कर देता संदर्भित कर देता है और इंतजार करता है उस मामले में अन्वेषण रिपोर्ट आने का पुलिस रिपोर्ट आने का वहां पर वह न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने अपराध का संज्ञान नहीं लिया मात्र उसने क्या किया एक पोस्ट ऑफिस के रूप में कि लेटर उसको मिला उस लेटर को यहाँ से वहाँ ट्रांसफर कर दिया अर्थात परिवादी ने शिकायतकर्ता ने न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को कंप्लेंट तो किया लेकिन वह कंप्लेंट न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग ने संज्ञान न लेते हुए अन्वेषण का आदेश दे दिया अन्वेषण का आदेश दिया जाना न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा यह संज्ञान की श्रेणी में नहीं आता न्यायिक मजिस्ट्रेट ने परिवाद पर कोई कार्रवाई किया ही नहीं उसने उस परिवाद को उठा करके संबंधित थाने के भार साधक अधिकारी को जिस थाने के अधिकार क्षेत्र के भीतर वह अपराध घटित हुआ है उसको संदर्भित कर दिया और उससे थाने के भार साधक अधिकारी को कहा कि इसमें अन्वेषण करके पुलिस रिपोर्ट मेरे समझ प्रस्तुत करें अब पुलिस रिपोर्ट उस परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के समक्ष यदि अन्वेषण के समाप्ति के पश्चात पुलिस के द्वारा पुलिस रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाता है और पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर होता है तो यह परिवाद पर संज्ञान लिया गया नहीं कहा जाएगा यह पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया कहा जाएगा यद्यप कि परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को किया गया लेकिन न्यायिक मजिस्ट्रेट ने उस अन्वेषण के लिए कुछ कोई कार्य नहीं संज्ञान के लिए कोई कार्रवाई किया ही नहीं उसने अन्वेषण कराया और अन्वेषण के पश्चात पुलिस रिपोर्ट पर अपने पास लेकर के पुलिस रिपोर्ट के आधार पर वह आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर हो रहे हैं इसलिए यह यद्यप कि न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को परिवाद किया गया लेकिन यह परिवाद पर संज्ञान लिया गया न कह करके पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लिया गया कहा जाएगा एक बात तो एक क्लियर हो गई अब दूसरा विकल्प न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग यह अपना सकता है कि जब परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को की गई तो उस परिवाद को स्वीकार करके और उसे लगता है कि स्वयं उसको कार्रवाई आगे करना है तो वह परिवादी की परीक्षा करने के लिए अग्रसर होगा एग्जामिनेशन ऑफ विटनेस धारा दो सौ सी के अंतर्गत परिवाद को स्वीकार करना और परिवादी की परीक्षा करना परीक्षा से तात्पर्य परिवादी की कॉम्प्लेनेंट की कथन को ओथ पर शपथ पर लेना परिवादी की परीक्षा कहा जाता है और परिवादी और परिवादी के पक्ष में जो भी व्यक्ति साक्ष्य देने के लिए आता है उन साक्षियों का भी साक्ष्य शपथ पर लेना साक्षियों की परीक्षा करना यह एक प्रक्रिया है और न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और परिवाद स्वीकार करने पर स्वीकार करने के पश्चात परिवादी की परीक्षा कर सकता है परिवादी की तरफ से प्रस्तुत किए गए अन्य कोई भी गवाह साक्षी उनकी भी परीक्षा कर सकता है अब परीक्षा करने के पश्चात ये संज्ञान आप इस पे देखें मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है कि इसमें परिवाद के आधार पर लिखा ना कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के पास दो विकल्प है परिवादी की परीक्षा करना परिवादी को संबंध परिवाद को संबंधित पुलिस थाने को भेज देना और पुलिस के द्वारा एक सौ दो के अंतर्गत रिपोर्ट लेना स्लाइड पे देखें दो जो परिवादी की परीक्षा है और साक्षियों की परीक्षा है यह दोनों की परीक्षा करने के पश्चात यदि अभियुक्त ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा ऐसा अपराध किया गया है जो मृत्युदंड आजीवन कारावास या दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय है ऐसे मामले को सीआरपीसी के अंतर्गत वारंट मामला की संज्ञा दी गई है वारंट केस वारंट केस की परिभाषा सीआरपीसी की धारा टू एक्स में दी गई है उस धारा टू एक्स के अनुसार वारंट केस किसे के कहेंगे वारंट मामलों से तात्पर्य उन मामलों से है जिसमें जो मृत्युदंड आजीवन कारावास अथवा दो वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय मामले होते हैं समन मामले कौन है दो वर्ष से कम के कारावास से दंडनीय मामले समन मामले कहलाते हैं तो अब यहाँ पर यदि परिवाद स्वीकार करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवादी की परीक्षा करेगा अन्य साक्षियों की परीक्षा करेगा और परीक्षा करने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को ऐसा प्रतीत होता है कि अभियुक्त के द्वारा किया गया अपराध समन है तो उसमें समन जारी करेगा अभियुक्त को अपने समझ प्रस्तुत होने के लिए समन जारी करेगा यदि वह अपराध वारंट मामला है तो अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी करेगा यदि अभियुक्त के विरुद्ध समन का जारी किया जाना वारंट का जारी किया जाना यह न्यायालय की आदेशिकाएँ हैं और परिवाद को स्वीकार कर समन और वारंट का जारी किया जाना यह न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया कहा जाएगा अर्थात अब न्यायालय ने अपनी न्यायिक कार्रवाई प्रारम्भ कर दी है अब ऐसी स्थिति में परिवाद को स्वीकार करने के पश्चात न्यायालय के द्वारा कार्रवाई को आरंभ करना समन या वारंट जारी करना यदि मामला समन है तो समन या वारंट मामला है तो वारंट मामला जारी किया जाएगा उदाहरण के तौर पर इसको समझें जब न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग को कोई द्विविवाह बाईगेमी की परिवाद किया जाए या क्रूरता का कि पत्नी के द्वारा परिवाद किया गया कंप्लेंट फाइल किया न्यायिक मजिश्रेट प्रथम के को, कोर्ट में कि उसके पति के द्वारा क्रूरता का अपराध किया जाता है क्रुएलिटी किया जाता है एक ही परिवाद में उसने दो धाराएं पति के विरुद्ध लगा दी एक में कि पति ने दूसरा विवाह कर लिया है और अपनी पहली पत्नी के विरुद्ध शारीरिक हिंसा करता है क्रूरता करता है तो धारा चार सौ चौरानवे के अंतर्गत परिवाद जो किया गया वह बाइगेमी का वह अपराध जमानती है और असंगे है लेकिन जो धारा चार सौ अट्ठानवे कौ के अंतर्गत पत्नी ले ने क्रूरता की धारा क्रूरता का आरोप लगाया है क्रूरता संगे है और अजमानती अपराध है एक ही परिवाद जो मजिस्ट्रेट को प्राप्त हुई है उस परिवाद में एक अपराध जमानती है दूसरा अपराध अजमानती क्रूरता का अपराध अजमानती संगे है तो इस परिवार ऐसी स्थिति में परिवाद को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्राप्त होने पर अभियुक्त के विरुद्ध वारंट जारी कर न्यायालय के समक्ष किसी तारीख और समय पर उपस्थित होने के लिए जारी वारंट जारी कर सकता है इस उदाहरण के माध्यम से मैं समझता हूँ कि आप यह समझ पाए होंगे कि न्यायिक मजिस्ट्रेट को यदि परिवाद किया जाए और उस परिवाद शिकायत में दो धाराएं, दो प्रकार के आरोप लगाए गए हों परिवादी के द्वारा किसी स्त्री के द्वारा कि पति ने दो विवाह किया है बाईगेमी फोर नाइन्टी फोर आई और क्रुएल्टी किया है फोर नाइन्टी एट आईपीसी के अंतर्गत एक धारा जमानती है दूसरी धारा अजमानती तो पूरे परिवाद को पूरे कंप्लेंट को यह अजमानती मानते हुए न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग उस अभियुक्त के विरुद्ध पति के विरुद्ध अपने समक्ष हाजिर होने के लिए वारंट जारी करेगा तो ये बात हो गई परिवाद पर न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लिए जाने की परीक्षा अब यदि परिवाद न्यायिक मजिस्ट्रेट को प्रतीत होता है कि परिवाद आधारहीन है तो परिवाद खारिज कर देगा परिवाद को खारिज कर देगा अब परिवाद स्वीकार करने के पश्चात आदेशिकाओं का जारी करना यह न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा संज्ञान लेने के लिए अग्रसर हो जाना न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया कहा जाएगा अब देखते हैं दूसरी स्लाइड के माध्यम से कि संज्ञान कब और कैसे इस स्लाइड में मैंने बताने का प्रयास किया है कि संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा कब लिया जाता है प्रायः छात्र कन्फ्यूजन की स्थिति में होते हैं कि संज्ञान न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा कब लिया जाता है तो मैंने जैसा कि बताया था कि यफ आई स्लाइड में देखें यफ आई मैंने लिखा सबसे नीचे लिखा है धारा ए वन फिफ्टी फोर उसके ऊपर एरो बनाया हुआ है वन सिक्सटी वन वन सिक्सटी टू धारा वन सिक्सटी सेवन वन सेवेंटी थ्री और वन सेवेंटी थ्री के पश्चात वन नाइन्टी अर्थात यफ आई दर्ज होने के पश्चात न्यायिक मजिस्ट्रेट का रोल भूमिका कहाँ पर आएगी संज्ञान लेने के लिए आप इसको स्लाइड के माध्यम से देख सकते हैं यफ दर्ज कर दिया गया एफ दर्ज करने के पश्चात पुलिस के द्वारा अन्वेषण प्रारंभ किया जाएगा अन्वेषण प्रारंभ करने के लिए सरकारी गवाहों की सूची प्रोसिक्यूशन विटनेस की लिस्ट तैयार की जाएगी धारा एक, एक के अंतर्गत प्रोसिक्यूशन विटनेस के स्टेटमेंट रिकॉर्ड किए जाएंगे उसके पश्चात 162 की कार्रवाई फिर उसके पश्चात 167 जो रिमांड है मैंने इसके पहले अपनी स्लाइड में बताया रिमांड 167 के अंतर्गत रिमांड की कार्रवाई पुलिस के द्वारा प्रारंभ करना और अब रिमांड की समाप्ति के पश्चात पुलिस का यह निष्कर्ष है कि अभियुक्त के द्वारा अपराध नहीं किया गया है तो अब यहां पर अन्वेषण लगभग समाप्ति की ओर है अन्वेषण समाप्ति के पश्चात पुलिस के द्वारा दो ही निष्कर्ष पर यह अपराध हुआ या अपराध नहीं हुआ यदि अभियुक्त के द्वारा अपराध नहीं किया गया तो क्लोजर रिपोर्ट लगाते हुए मामले को बंद करने की सिफारिश उस न्यायालय में करेगा जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर अपराध घटित हुआ है ऐसी स्थिति में उस न्यायालय में धारा वन सिक्सटी के अंतर्गत अन्वेषण अधिकारी के द्वारा क्लोजर रिपोर्ट मामले को बंद करने के लिए रिपोर्ट दर्ज किया जा सकता है अब मामले को यदि दर्ज करने जो क्लोजर रिपोर्ट है यदि क्लोजर रिपोर्ट न्यायालय में फाइल कर दी गई न्यायालय उस क्लोजर रिपोर्ट से भी जैसा कि मैंने बताया क्लोजर रिपोर्ट से न्यायालय दि संतुष्ट नहीं है तो या तो परिवादी के द्वारा या जो शिकायत करता है जो सूचना दिया एफ जिसने कराई है वह संतुष्ट नहीं है अपराध पीड़ित है तो वह अपराध पीड़ित उस मामले में प्रोटेस्टेशन भी फाइल कर सकता है विरोध याचिका प्रस्तुत कर सकती है जैसा कि मैंने स्लाइड के माध्यम से बताने का प्रयास किया है अमरमणि त्रिपाठी केस में आरसी मर्डर केस में आ, पुलिस के द्वारा अन्वेषण की समाप्ति के पश्चात क्लोजर रिपोर्ट फाइल कर दिया और पूरे हेडलाइन मीडिया में आया कि नो वन किल्ड आर सी आर सी को किसी ने नहीं मारा इस पर न्यायालय ने संज्ञान ले लिया कि ऐसा कैसे हो सकता है कि आर सी ने पुलिस ने क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया कि अब हम इसमें अन्वेषण कर पाने में असमर्थ हैं कि कोई भी चश्मदीद गवाह कोई भी प्रत्यक्ष साक्ष्य नहीं मिल रहा है जिस पर ये निष्कर्ष लगाया जा सके निकाला जा सके आर आरसी का मर्डर किसने किया है इसलिए मामले को बंद कर दिया जाए क्लोजर रिपोर्ट सबमिट कर दिया अब यहां तक की स्थिति के पश्चात यदि अपराध पीड़ित संतुष्ट नहीं है तो वह उस न्यायालय में विरोध याचिका प्रस्तुत कर सकता है और न्यायालय उस मामले में आगे की कार्रवाई के लिए पुनः अग्रसर हो सकता है जहां पर क्लोजर रिपोर्ट फाइल नहीं होती और अन्वेषण अधिकारी का यह समाधान हो जाता है कि अभियुक्त के द्वारा अपराध किया गया है अभियुक्त के विरुद्ध पर्याप्त साक्ष है वहां उस मामले में अभियुक्त के विरुद्ध पुलिस रिपोर्ट उस न्यायालय में प्रस्तुत किया जाएगा जिस न्यायालय के अधिकार क्षेत्र के भीतर वो अपराध घटित हुआ है अब यहाँ पुलिस रिपोर्ट समिट हो जाने के पश्चात उसी पुलिस रिपोर्ट के आधार पर यदि न्यायालय आगे की कार्यवाही करता है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा पुलिस रिपोर्ट के आधार पर स्वीकार करते हुए उसके आधार पर आगे की कोई कार्रवाई के लिए अग्रसर होना यह न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया गया कहा जाएगा तो अब संज्ञान के लिए स्लाइड के माध्यम से देखिए मैंने बताने का प्रयास किया है कि संज्ञान लेने की परिसीमा क्या टाइम लिमिटेशन दिया गया है क्या संज्ञान लेने वाला न्यायालय अनिश्चित काल तक संज्ञान ले सकता है या कोई समय सीमा है उस समय सीमा के पश्चात न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है तो मैंने स्लाइड के माध्यम से बचाने का प्रयास किया था कि वे अपराध जो मात्र जुर्माने से दंडनीय हैं आईपीसी के अंतर्गत या अन्य किसी विधि के अंतर्गत मात्र जुर्माने से दंडनीय हैं उन अपराधों में संज्ञान लेने की अवधि जो है वह अच्छे माह है अर्थात वे अपराध जो मात्र जुर्माने से दंडनीय हैं अपराध घटित होने के तिथि से छः माह के भीतर कभी भी न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जा सकता है उस अवधि के पश्चात संज्ञान नहीं लिया जा सकता है दूसरा उसमें है कि यदि वे अपराध जो छः माह तक के कारावास से दंडनीय हैं उन अपराधों के घटित होने पर न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग के द्वारा संज्ञान छ माह के भीतर कभी भी लिया जा सकता है छः माह की अवधि के, के पश्चात संज्ञान नहीं लिया जा सकता है तीसरी जो स्थिति है कि वे अपराध जो छः माह से अधिक के कारावास से दंडनीय है और एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं उन अपराधों में न्यायालय के द्वारा संज्ञान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा चार सौ अड़सठ फोर सिक्सटी एट के अंतर्गत स्लाइड के माध्यम से देखें धारा चार सौ अड़सठ के अंतर्गत एक वर्ष के भीतर उस अपराध का संज्ञान कभी भी न्यायालय के द्वारा लिया जा सकता है अब एक वर्ष के पश्चात वे अपराध जो एक वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उनमें संज्ञान की सीमा क्या होगी तो सीआरपीसी ऐसे अपराधों में जो एक वर्ष से अधिक के सॉरी इसमें इसको मैं स्लाइड के माध्यम से एक बार और इसको देखें कि वे अपराध जो जुर्माने से दंडनीय है छः माह का संज्ञान वे अपराध जो एक वर्ष तक के कारावास से दंडनीय है उसमें संज्ञान एक वर्ष के भीतर कभी भी हो सकता है और तीसरी स्थिति है कि वे अपराध जो एक वर्ष से अधिक और तीन वर्ष तक के कारावास से दंडनीय हैं उन अपराधों के घटित होने पर न्यायालय तीन वर्ष के भीतर कभी भी संज्ञान ले सकता है तीन वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग समय होने के आधार पर संज्ञान नहीं ले सकता है हम अगर चोरी की बात करें चोरी आईपीसी की धारा थ्री सेवेंटी नाइन के अंतर्गत अधिकतम पनिशमेंट तीन वर्ष का सजा दिया गया है तो तीन वर्ष के भीतर कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग चोरी के अपराध का संज्ञान ले सकता है तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात सीआरपीसी की धारा 468 के अनुसार संज्ञान नहीं लिया जा सकता है तो ये हो गया 48, 48, 468 सिक्सटी एट धारा चार सौ अड़सठ के अंतर्गत संज्ञान लेने के तीन परिस्थितियां अब प्रश्न उत्पन्न होता है कि वे अपराध जो आईपीसी के अंतर्गत या अन्य किसी दंड विधि के अंतर्गत तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय हैं उनमें परसीमा लागू होगा या लागू नहीं होगा तो आप सभी के लिए यह महत्वपूर्ण बात है कि वे जो बड़े अपराध होते हैं जो तीन वर्ष अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उसमें परसीमा काल लागू नहीं होता है उन अपराध का संज्ञान कभी भी न्यायालय ले सकता है और आगे कार्रवाई कर सकता है उदाहरण के तौर पर इसको समझें जैसे बॉम्बे बम ब्लास्ट है बॉम्बे में एक मुंबई में दंगा हुआ था जिसमें दाऊद इब्राहिम प्रमुख अभियुक्त था तो दाऊद इब्राहिम के द्वारा उस बॉम्बे बम ब्लास्ट को कराने के पश्चात देश से भाग जाना और अभी तक गिरफ्तार नहीं किया जाना इसका यह कदापि अर्थ नहीं है कि उसके विरुद्ध अपराध समाप्त हो गया है अपराध उसके विरुद्ध आज भी है जब कभी भी भारत में उसका प्रत्यर्पण के माध्यम से या भारत में उसकी उपस्थिति कभी भी हो सकेगी तो उसके विरुद्ध 20 वर्ष 30 वर्ष के पश्चात भी आपराधिक न्यायालय मामले का संज्ञान लेगा ट्रायल होगा और कन्विक्शन होगा दो सिद्धि होगी इसलिए कहने का तात्पर्य है कि आपराधिक मामलों में जो जघन्य गंभीर अपराध हैं तीन वर्ष से अधिक के कारावास से दंडनीय अपराध हैं उन मामलों में परसीमा लागू नहीं होती तो यह ध्यान देने की बात है दूसरा अब उसी धारा 473 में लिखा हुआ है कि उपर्युक्त अवधियों के होने के बावजूद भी आपराधिक न्यायालय संज्ञान ले सकता है इन अवधि के समाप्त हो जाने के बाद भी यदि न्यायालय संतुष्ट हो जाए कि विलम्ब का कोई पर्याप्त कारण था विलम्ब का कोई यदि पर्याप्त कारण था तो यह जो तीन वर्ष के भीतर ही संज्ञान लेने की बाध्यता है इसको भी धारा फोर सेवेंटी थ्री सी आर पी सी के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय कंडोन कर सकता है क्ष में कर सकता है ये दिया गया है तो दो प्रावधान आपको ध्यान रखना है छात्रों को एक तो संज्ञान लेने की समय सीमा क्या है ये धारा फोर सिक्सटी एट में दिया गया है दूसरी बात कि इन समय सीमा को भी डाइल्यूट किया जा सकता है एग्जेम्ट किया जा सकता है क्षम किया जा सकता है ये किस धारा में दिया गया है यह धारा फोर सेवेंटी थ्री में दिया गया है जब आपराधिक मामलों में संज्ञान लेने की बात हो रही है तो सिविल मामलों में संज्ञान लेना साथ ही साथ अगर पढ़ेंगे तो आपको तुलनात्मक रूप से यह एक कंपरेटिव स्टडी होगी और पढ़ने का प्रयास भी करना चाहिए कि सी के अंतर्गत सिविल मामलों में जो सूट फाइल करने का जो प्लेन और डब्लू एस रिटर्न स्टेटमेंट फाइल करने का मैक्सिमम टाइम पीरियड क्या है अगर ये पूछा जाए मैं पूछूं कि संविदा विखंडन ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट की स्थिति में सिविल वाद कितने समय के भीतर न्यायालय के समक्ष ला दिया जाना चाहिए अन्यथा न्यायालय काल टाइम बाढ़ समय बाधित होने के आधार पर ऐसे ब्रिज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट के मुकदमे को सिविल सूट को सुनने से इनकार कर सकता है उसके लिए परसीमा अवधि उन्नीस सौ का टाइम उसको बोलते हैं लिमिटेशन एक्ट उन्नीस परसीमा परसीमा अवधि अधिनियम है, है 1963 का जिसके अंतर्गत सिविल मामलों में किसी भी सिविल वाद को सिविल न्यायालय के समक्ष लाने के लिए समय सीमा निर्धारित की गई है साधारण भाषा में उसको समझें मिनिमम तीन वर्ष है मैक्सिमम तीस वर्ष है सिविल मामलों में कि कोई सिविल मामला तीन वर्ष के भीतर लाया जाना चाहिए अन्यथा सिविल कोर्ट उस मामले को काल बाधित होने के आधार पर सुनने से इनकार कर सकता है ठीक उसी प्रकार से जैसे आपराधिक मामलों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा चार सौ आपराधिक तीन वर्ष तक के कारावास के मामलों में न्यायालय को यह शक्ति प्रदान की है कि वह तीन वर्ष के भीतर कभी भी संज्ञान ले सकता है उसके पश्चात यदि कोई व्यक्ति आता है तो तीन वर्ष की अवधि के समाप्ति के पश्चात उस मामले में आपराधिक न्यायालय संज्ञान लेने से इनकार कर सकता है लेकिन उसी पर सीमा अवधि लिमिटेशन एक्ट की धारा पाँच के अंतर्गत एक अपवाद दिया गया है कि सिविल न्यायालय सिविल वाद को बाधित समय सीमा के समय व्यतीत हो जाने के पश्चात भी स्वीकार कर सकता है यदि वादी न्यायालय का यह समाधान करा दे कि विलंब का कोई पर्याप्त कारण था तो जो टाइम लिमिटेशन है उसको एग्जेम्प्ट किया जा सकता है कंडोन किया जा सकता है यह सिविल मामलों में भी दिया गया है आपराधिक मामलों में भी दिया गया है मैंने जैसा कि आपको बताया कि आपराधिक मामला जो है क्रिमिनल केस है थोड़ा सा और गंभीर है इसलिए आपराधिक मामलों में जो लिमिटेशन एक्ट है लिमिटेशन uh, पीरियड है वह सीआरपीसी की धारा चार से गवर्न होता है और इसको कंडोन करने की पावर फोर सेवेंटी थ्री में ही दे दिया गया है कि कब आपराधिक मामलों में आपराधिक न्यायालय पश्चिमा काल को क्षम भी कर सकता है कम भी कर सकता है अब स्लाइड दूसरी स्लाइड के माध्यम से मैं बताने का प्रयास करना चाहूँगा कि ये एक तो ये हो गया कि संज्ञान लेने की परसीमा हो गई अब देखते हैं कि किन किन अपराधों में जो संज्ञान न्यायालय के संज्ञान लेने की पावर को लिमिट किया गया है कि कोई भी न्यायालय किसी भी अपराध का संज्ञान केवल परिवाद पर लेगा और परिवाद केवल और केवल व्यक्ति विशेष के द्वारा किया जाएगा तभी होगा अन्यथा नहीं अब इसको समझने का प्रयास करेंगे एक एक करके देखेंगे कि मजिस्ट्रेट की संज्ञान लेने की शक्ति पर परसीमा स्लाइड में देखें कि मजिस्ट्रेट की संज्ञान लेने की शक्ति पर परसीमा निर्बंधन क्या धारा एक से लेकर एक तक जब लिमिटेशन की बात आएगी कि न्यायिक मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने की शक्ति पर निर्बंधन किन किन धाराओं के अंतर्गत लगाए गए हैं तो धारा एक से लेकर से एक तक की बात होगी सभी छात्रों के लिए यह जान लेना आवश्यक है कि सेक्शन 195 से लेकर के 199 तक उन परिस्थितियों की विवेचना की गई है उन परिस्थितियों का वर्णन किया गया है जिन परिस्थितियों के अंतर्गत न्यायिक मजिस्ट्रेट केवल और केवल परिवाद पर ही संज्ञान लेगा अन्य पर नहीं और परिवाद केवल व्यक्ति विशेष के, के द्वारा ही करने पर होगा अन्य व्यक्ति के द्वारा किए गए परिवाद पर न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है यह हम न्यायालय के संज्ञान लेने की शक्ति पर लिमिट इम्पोज की गई है स्टैच्यूट के द्वारा उसका कारण और केवल और केवल यह है कि जो व्यक्ति केवल एग्रीव्ड है जो व्यक्ति अपराध से स्वयं पीड़ित है केवल उसी व्यक्ति के द्वारा किए गए कंप्लेंट परिवाद पर ही न्यायालय संज्ञान लेगा थर्ड पार्टी को या प्राइवेट कंप्लेंट इस पर अलाउड नहीं है ऐसा कई कारणों से किया गया जैसे पब्लिक सर्वेंट के किसी आदेशिका का अगर किसी ने पालन नहीं किया है तो उससे विक्टिम कौन है पब्लिक सर्वेंट है कि पब्लिक सर्वेंट के आदेश का अवहेलना किया गया है प्राइवेट पार्टी उसमें अफेक्टेड नहीं है तो प्राइवेट कंप्लेंट अलाउड नहीं है वैसे मैट्रिमोनियल डिस्प्यूट है जैसे वैवाहिक मामले हैं विवाह संबंधी मामलों में केवल व्यक्ति विशेष प्रभावित है स्लाइड में देखें उस वैवाहिक अपराधों की स्थिति में व्यक्ति विशेष चूखी प्रभावित है इसलिए तीसरा पक्षकार थर्ड पार्टी उसमें शिकायत कंप्लेंट नहीं कर सकता है वरना जो वैवाहिक संस्था है जो मैट्रीमोनियल जो स्टेटस है पार्टी की थर्ड पार्टी के इंटरवेंशन से तीसरे पक्षकार के हस्तक्षेप से वह जो सुधरने की संभावना होगी और भी वह बिगड़ सकती है इसलिए वैवाहिक अपराधों के संज्ञान लेने पर परसीमा लगाई गई है तो मैं समझता हूँ कि अब इसको एक एक करके देखेंगे कि मजिस्ट्रेट की संज्ञान लेने की शक्ति पर जो पश्चिमा दी गई है आप स्लाइड में देख सकते हैं मैंने इसको मुख्यतः जो चार भागों में बांटा है कि लोक सेवक के प्राधिकार की अवमानना पर संज्ञान कैसे होगा लोक सेवकों के विरुद्ध अभियोजन के लिए संज्ञान कैसे होगा वैवाहिक जो अपराध है मैट्रीमोनियल जो ऑफेंस हैं बाई एडल्ट्री है इसमें कैसे संज्ञान न्यायालय लेगा राष्ट्रपति या राज्यपाल या मंत्रियों के मानहानि की जाती है तो राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध कोई मानहानिकारक शब्द कहने पर उनके विरुद्ध मानहानि की स्थिति में न्यायालय संज्ञान कैसे लेगा क्या प्रोसीजर होगा यह सेक्शन 199 के अंतर्गत बताया गया है तो मैं एक एक करके आपको विस्तार से बताता हूँ प्रायः यह मुख्य परीक्षा में पी सी की मुख्य परीक्षा में एक प्रश्न पूछा जाता है एक प्रश्न संज्ञान पर रहता है और संज्ञान पर जो प्रश्न होगा वह इसी से इसी के आसपास होगा और आप उसको अगर लिखते हैं तो निश्चित रूप से मैं एक पहला जो पहली जो धारा बताएं कि सी की धारा 195 नाइन्टी यह प्रावधानित करती है कि जहां पर लोक सेवक के प्राधिकार की अवमानना की गई है लोक सेवक के प्राधिकार की अवमानना की स्थिति में केवल लोक सेवक के द्वारा किए गए परिवाद पर ही न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान लेगा अन्य अन्यथा नहीं अर्थात प्राइवेट कंप्लेन इसमें भी अलाउड नहीं है क्या मतलब हो गया उदाहरण के तौर पर जैसे किसी एसडीएम के द्वारा मालगुजारी वसूली के लिए आदेश का, का कोई आदेश जारी किया गया या उसने अभियुक्त को या मालगुजारी न देने के लिए अपने समझ प्रस्तुत होने के लिए उसने समन जारी किया उस समन की अवहेलना कर दी गई तो न्यायालय के द्वारा जारी किए गए आदेशिका का पालन न करना यह ऑफ अथॉरिटी है लाफुल अथॉरिटी है जो विधिपूर्ण प्राधिकारी के आदेशों का पालन न करना एक प्रकार का अपराध माना जाता है यह भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत उस अपराध को परिभाषित किया गया है उस प्रकार के अपराध होने की स्थिति में परिवादी कौन होगा परिवादी वह लोक सेवक होगा वह पब्लिक अथॉरिटी होगी जिसके आर्डर का वायलेशन हुआ है जिसके आर्डर को किसी व्यक्ति ने अवहेलना किया है तो अब स्वाभाविक है कि परिवाद शिकायत वही पब्लिक सर्वेंट करेगा जिसके आर्डर का वायलेशन किया गया जिसके आर्डर का को की अवमानना की गई है ये ध्यान देने की बात है कि आ, पब्लिक अथॉरिटी लाफुल पब्लिक अथॉरिटी के आदेश की अवहेलना करने पर न्यायालय के द्वारा संज्ञान केवल और केवल उसी लोक सेवक के द्वारा किए गए परिवाद पर ही होगा अन्यथा नहीं अब आते हैं लेते दूसरा है लोकसेवक के विरुद्ध अभियोजन के लिए संज्ञान स्लाइड में देखें कि पब्लिक सर्वेंट के विरुद्ध अगर अभियोजन करना है तो संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि संबंधित सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो अर्थात धारा एक वन एक प्रकार से लोक सेवकों के विरुद्ध प्रॉसिक्यूशन के लिए प्रोटेक्शन प्रदान करता है कि जो लोक सेवक पब्लिक सर्वेंट हैं उनके अगेंस्ट सीधे कोई एफ आई न कर दे सीधे उनको अरेस्ट न कर लिया जाए गिरफ्तार न कर लिया जाए इससे वे अपने कार्य को निर्भीकतापूर्वक स्वतंत्र एवं निष्पक्ष रूप से लोक सेवक अपने दायित्वों का निर्वहन कर सकें यह सुनिश्चित करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता की धारा वन के अंतर्गत लोक सेवकों को विशेष संरक्षण दिया गया है कि किसी भी लोक सेवक के विरुद्ध कोई भी आपराधिक अभियोजन का, का न्यायालय संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि जिस जिस सरकार के अधीन वह लोक सेवक कार्य कर रहा है उस सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो यह प्रावधान जैसा कि मैंने बताया इसलिए किया गया कि पब्लिक सर्वेंट जो है किसी भी बहुत से समाज के लिए लोक कल्याणकारी कार्य करते हैं उसमें किसी व्यक्ति के विषय में फैसला लेते हैं तो उनकी प्रतिद्वंदिता भी हो सकती है और यदि अलाउ कर दिया जाए तो जो भी लोक सेवक के कार्य से दुखी होगा उसके खिलाफ़ एफ कर देगा और पब्लिक सर्वेंट पता चला कि जा रहे हैं किसी राहत कार्य में बाढ़ राहत कार्य में जा रहे हैं और उनको पुराव पुलिस पीछे अरेस्ट करने के लिए आ रही है क्योंकि उनके खिलाफ़ एफ किया गया है तो ऐसी स्थिति में लोक सेवकों के विरुद्ध कोई भी आपराधिक अभियोजन का संज्ञान न्यायालय तब तक नहीं लेगा जब तक कि उसमें राज्य सरकार की पूर्व अनुमति प्राप्त न कर ली गई हो लोक सेवक कौन होंगे पब्लिक सर्वेंट हो इज पब्लिक सर्वेंट ए का सेक्शन ट्वेंटी वन में बताया गया है कि लोक सेवक भारतीय संहिता की धारा इक्कीस के अंतर्गत किन किन व्यक्तियों को माना जाएगा संक्षेप में मैं बताऊं आप केवल इतना समझें वैसे बड़ी जनरल परिवर्ष जनरल डिफिनीशन है लोक सेवक की वे सभी व्यक्ति जो राजपत्रित अधिकारी हैं जिन्हें लोक सेवा लोक कर्तव्य निर्धारित लोक कर्तव्य निष्पादित करने का दायित्व तो दिया गया है दे ऑल आर पब्लिक सर्वेंट वे सभी लोक सेवक हैं सभी केंद्रीय मंत्री राज्य मंत्री संविधान संवैधानिक पदों पर पदासीन व्यक्ति लोक सेवक जैसे यह yeah, संविधान के आर्टिकल तीन सौ यहाँ पर जब मैं पब्लिक सर्वेंट को बताता हूँ तो पब्लिक सर्वेंट के साथ तो साथ संविधान के आर्टिकल तीन सौ इकसठ का भी उल्लेख करना आवश्यक है कि संविधान के आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन में प्रावधान किया गया है कि भारत के राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल के विरुद्ध उनकी पदावधि के दौरान भारत में स्थित किसी भी न्यायालय में किसी भी आधार पर कोई भी कार्रवाई प्रश्नगत नहीं की जा सकती यह भारत के राष्ट्रपति और राज्यपाल राज्य के राज्यपालों को विशेष प्रोटेक्शन दिया गया संरक्षण दिया गया मात्र इसीलिए कि वे अपने दायित्वों का निर्वहन निष्पक्ष और स्वतंत्रतापूर्वक कर सकें क्योंकि वे राजनीतिक रूप से राजनीतिक पृष्ठभूमि से होते हैं उनके राजनीतिक प्रतिद्वंदता की वजह से कोई राष्ट्रपति के विरुद्ध या राज्यपाल के विरुद्ध कोई आपराधिक मुकदमा पंजीकृत कर दे और पुलिस उनको अरेस्ट कर ले गिरफ्तार कर ले उससे संरक्षित रखने के लिए और संरक्षण प्रदान करने के लिए भारत के राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपाल को यह विशेष संरक्षण प्रदान किए गए हैं क्योंकि इन लोगों को यह स्पेशल प्रोटेक्शन दिया गया है तो यह मैं जब बता रहा हूँ सी का सेक्शन वन तो से आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन और राष्ट्रपति राज्यपाल की चर्चा करने की आवश्यकता क्यों हो गई यह विषयांत्र्तरित होने या राष्ट्रपति राज्यपाल की चर्चा की आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि देश की सर्वोच्च विधि संविधान का उल्लेख भी करना यहाँ पर आवश्यक है कि राष्ट्रपति राज्यपाल को विशेष जो प्रिवलेज दिया गया है इम्यूनिटी दी गई है किसी भी लीगल प्रोसीडिंग से ये आर्टिकल थ्री सिक्सटी वन में है और वन नाइन्टी सेवन के अंतर्गत भी जितने पब्लिक सर्वेंट हैं उनके अगेंस्ट भी प्रोसिक्यूशन तभी होगा जब स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट जिसके अधीन वो कार्य कर रहे हों उनके पुर्वन्नति प्राप्त कर ली गई हो अब मैंने इसमें स्लाइड में देखें दो दृष्टांत मैंने बताया है सेक्शन 197 के नीचे उसको मैंने रेड से किया है कि उदाहरण के तौर पर न्यायाधीश के द्वारा घूस लेना या डॉक्टर पेशेंट का पाकेट मार लेता है तो क्या यहाँ पर उस डॉक्टर के विरुद्ध आपराधिक अभियोजन के लिए भी अनुमति होगा या जो न्यायाधीश घूस लेते पकड़ा जाता है उस न्यायाधीश के विरुद्ध क्या आपराधिक कार्य कार्रवाई प्रारंभ की जा सकती है या उसमें भी संबंधित सरकार की अनुमति से ही कार्रवाई हो सकती है ये दो दृष्टांत जो मैंने बताए वो दृष्टांत यह प्रमाणित करते हैं कि धारा 197 का प्रोटेक्शन केवल उसी लोक सेवक को प्राप्त होगा जो लोक सेवक अपने पदीय कर्तव्यों के निर्वहन में पदावधि के दौरान कोई ऐसा कार्य करता है जो अपराध हो उसको ही प्रोटेक्शन धारा 197 का मिलता है पदावधि के दौरान पदावध के पश्चात नहीं जो उसके कलर ऑफ आफ ऑफिस में कार्य नहीं किया जा सकता है जो ऑफिसियर का घूस लेना यह यह न्यायाधीश के पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के का भाग पार्ट नहीं है लेकिन निर्णय जजमेंट निर्णय देना निर्णय में कोई मैन्युपुलेशन फेरबदल करना यह उसके पदीय कर्तव्यों के निर्वहन के दौरान कोई अपराध घटित हो सकता है वैसे ही डॉक्टर के द्वारा ऑपरेशन करने के दौरान पेट का ऑपरेशन करने के दौरान पेट में कोई तौलिया टॉवेल या कोई पेपर का छोड़ देना जैसा हम प्राय सुनते हैं कि मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला प्रकाश में आया है कोई सर्जन किसी डॉक्टर ने ऑपरेशन के दौरान किसी मरीज के पेट में कॉटन या रुई जिसको बोलते हैं कॉटन या कोई पेपर छोड़ दिया उसके पश्चात दर्द हुआ अल्ट्रासाउंड हुआ तो जांच हुई तो मेडिकल नेग्लिजेंस का केस आया ऐसी स्थिति में वह डॉक्टर तो धारा एक का लाभ ले सकता है मेडिकल नेग्लिजेंस का मामला है और चूंकि सर्जरी ऑपरेशन करने के दौरान वह स्थिति वह घटना घटित हो गई तो वह लापरवाही का मामला मानते हुए उसके खिलाफ संज्ञान न्यायालय ले सकती है लेकिन संज्ञान तब तक नहीं लेगी न्यायालय जब तक कि उस सरकार की पूर्वन्मति प्राप्त न कर लिया गया हो जैसे उदाहरण के तौर पर यदि प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में या जिला अस्पताल सरकारी अस्पताल में कोई डॉक्टर कर सर्जन है और वह ऑपरेशन करता है तो वहाँ के सी के द्वारा जो चीफ मेडिकल ऑफिसर है उसकी अनुमति के पश्चात ही न्यायालय आपराधिक अभियोजन प्रारंभ करने की या संज्ञान लेने ले सकता है उसके पहले नहीं लेकिन यदि डॉक्टर पेशेंट का इलाज कर रहा है जांच कर रहा है और उसके पॉकेट में से पैसा निकाल लेता है तो प्रश्न यह है कि क्या और सी में कैद हो गया ये घटना कैद हो गई अब क्या पेशेंट अगर डॉक्टर के विरुद्ध केस फाइल करता है तो ऐसी स्थिति में क्या धारा एक का उसको संरक्षण मिलेगा डॉक्टर को या नहीं मिलेगा ये छात्रों के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट बात है इसको ध्यान से देखें ऐसी स्थिति में डॉक्टर जहां पर पेशेंट के पॉकेट से पैसा निकाल लेता है उस स्थिति में डॉक्टर अगर सरकारी अस्पताल में भर्ती है सरकारी अस्पताल में नियोजित है तो वहां पर सरकार की अनुमति के बिना भी डॉक्टर के विरुद्ध कार्रवाई की जा सकती है वहाँ पर सेक्शन 197 का लाभ उसको संरक्षण प्रोटेक्शन प्राप्त नहीं होगा तो ये ध्यान रखना है दो उदाहरण के माध्यम से मैंने बताने का प्रयास किया है अब देखें वैवाहिक अपराधों में न्यायालय के द्वारा संज्ञान लिया जाना यह और भी स्थिति क्लियर होगी कि जो विवाह संबंधी अपराध हैं उस पर न्यायालय संज्ञान कैसे लेगा मैंने स्लाइड के माध्यम से आप देखें वैवाहिक अपराध लिखा है जो तीसरा है कंपोनेंट है इसमें वैवाहिक अपराधों का, का संज्ञान मैट्रिमोनियल ऑफेंस ऐसा छोटा नहीं है लेकिन हम लोग प्रियता की भाषा में हम लोग समानता इसको यूज करते हैं वे अपराध जो विवाह दाम्पत्य जीवन के दौरान होते हैं जैसे बाईगेमी है एडल्ट्री है एडल्ट्री अद्यप अब अपराध नहीं रहा लेकिन जैसे बाईगेमी है या क्रुएल्टी है ऐसी ऐसे अपराध की स्थिति में न्यायालय संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक कि पीड़ित के द्वारा स्वयं परिवाद न किया गया हो यह जो एक प्रकार से सेक्शन 198 सीआरपीसी के द्वारा प्रोटेक्शन भी दिया गया है पीड़ित व्यक्ति को पीड़ित व्यक्ति को भी और जो उसमें एक्यूज है उसको भी उदाहरण के तौर पर इसको समझें जहाँ पर द्विविवाह का मामला बाइगेमी का मामला है किसी पुरुष ने पत्नी के रहते हुए दूसरी स्त्री से विवाह कर लिया है वहाँ पर न्यायालय के द्वारा परिवाद पर संज्ञान केवल परिवाद पर ही संज्ञान लिया जाएगा पीड़ित कौन है वह स्त्री पीड़ित है तो स्त्री के द्वारा किए गए परिवाद पर ही यदि वह आने में असमर्थ है बीमार है तो उसके तरफ से उसके द्वारा नामित उसका पिता माता कोई भी परिवाद कर सकता है लेकिन परिवादी जो भी जब भी होगी वह पीड़ित पत्नी ही होगी अब पीड़ित पत्नी के द्वारा यदि शिकायत परिवाद किया जाता है तो ही न्यायालय संज्ञान लेगा और आगे की कार्रवाई के लिए अग्रसर होगा अन्यथा नहीं अगर इसको ध्यान से सोचें सामान्यतः हम देखते हैं प्राय ऐसे व्यक्ति होते हैं हमारे सामान्य जीवन में भी हम जब इसको देखते हैं कि नेता है कोई मिनिस्टर है मंत्री है और वह पहले एक पत्नी उसकी है लेकिन बाद में भी विवाह कर लेता है तो बड़ा आश्चर्य लगता है देख करके कि उसकी दो पत्नियां दोनों जीवित हैं और उसके खिलाफ़ बाइगेमी का मुकदमा नहीं हो रहा है फोर नाइन्टी फोर का केस नहीं आ रहा है क्यों ऐसा नहीं हो रहा है तो वह केवल और केवल यही एक धारा है धारा वन नाइन्टी एट जो उसके डबल जो बाइगेमी स्टेटस को प्रोटेक्ट किए हुए है जिस दिन उसकी पहली पत्नी कंप्लेंट फाइल कर देगी परिवाद फाइल कर देगी उसी दिन उसकी विधायक की या मंत्री की या लोकसभा सदस्य की सदस्यता समाप्त हो जाएगी क्योंकि एग्रीव जो है उसमें पत्नी है समाज का कोई व्यक्ति नहीं है अगर समाज को अलाउ किया गया होता तो सबसे पहले कंप्लेंट उस क्षेत्र का हारा हुआ प्रत्याशी करता जो पराजित हुआ था और वह अपने हारे हुए प्रत्याशी ने अगर परिवाद कर दिया या जानते हुए कि दो किया है और उसका इलेक्शन रद्द होने पर वह स्वयं निर्वाचित हो सकता है तो ऐसे ये इसको ध्यान से इसको इस तरह से समझेंगे तो पूरी इसका पूरा लॉजिक पूरी फिलॉसफी समझ में आ जाएगा कि वैवाहिक मामलों में न्यायालय संज्ञान तब तक नहीं लेगा जब तक पीड़ित व्यक्ति के द्वारा संज्ञान पीड़ित व्यक्ति के द्वारा परिवाद न किया गया हो तो ये तर्क उसका लॉजिक यही है अब अगला है मैंने कि राष्ट्रपति या राज्यों के राज्यपाल स्लाइड को देखें राष्ट्रपति या राज्यपाल या मंत्रियों के मानहानि पर संज्ञान न्यायालय तभी लेगा जब लोक अभियोजक के द्वारा परिवाद किया गया हो अन्यथा नहीं यह सेक्शन 199 के अंतर्गत विशेष प्रकार की बात की गई कि सामान्यतः तो परिवाद जो शिकायत करता होता है वही परिवाद करता है अब राष्ट्रपति या राज्यपाल परिवाद करें चल करके किसी कोर्ट में परिवादी हों तो ऐसी स्थितियों में उनकी तरफ से राष्ट्रपति या राज्यपाल की अगर कोई मानहान करता है तो उनकी ओर से कोई लोक अभियोजक जहाँ पर उनकी मानहान की गई है वहाँ जिले का जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है लोक अभियोजक के लिखित परिवाद पर न्यायालय संज्ञान लेगा नहीं अब मैंने स्लाइड पर देखें एक नीचे लिखा हुआ है कि आ, क्या है नीचे मैंने लिखा है सेक्शन 199 और और वर्सेज करके 193 वो बताने का प्रयास बस ये किया है कि इसको अगर स्लाइड में आप देखें इसमें क्या है सेक्शन 193 में प्रावधान किया गया है कि सत्र न्यायालय संज्ञान नहीं ले सकता है सेक्शन 193 नाइन्टी थ्री यह प्रावधानित करती है कि सत्र न्यायालय सामान्यतः संज्ञान नहीं लेता अर्थात सत्र न्यायालय नियम के रूप में नियमतः किसी अपराध का संज्ञान नहीं लेता चाहे वह हत्या का ही क्यों न हो एक उसका अपवाद दिया गया है वह अपवाद है कि संविधान में पदासीन संवैधानिक पदों पर पदासीन व्यक्ति राष्ट्रपति राज्यपाल केंद्र के मंत्री राज्य के मंत्री लोक सेवकों के विरुद्ध मानहानि की स्थिति में सत्र न्यायालय सीधे संज्ञान ले सकता है अर्थात राष्ट्रपति राज्यपाल के विरुद्ध मानहानि की स्थिति में सीधे सत्र न्यायालय संज्ञान लेता है अन्य किसी भी अपराध का संज्ञान सत्र न्यायालय सीधे नहीं ले सकता है तो इसलिए सेक्शन 193 और 199 दोनों को मैंने एक साथ बताने का प्रयास किया है अब उसी स्लाइड पर सबसे नीचे मैंने एक बताने का प्रयास किया है कि सी आर पी सी की धारा फोर सिक्सटी फाइव है और धारा चार सौ पैंसठ में लिखा है कि परिवार बिना पी एस अवैध होगा जो चार सौ पैंसठ के अधीन सुधार योग्य नहीं है तो सेक्स सी आर पी सी की धारा फोर सिक्सटी फाइव में प्रावधान किया गया है कि कोई भी दंडादेश या आदेश मात्र इस आधार पर अनियमित मात्र इस आधार पर अवैध नहीं होगा कि वह किसी वह न्यायालय के द्वारा किसी तात्विक भूल के वह न्यायालय के द्वारा किसी गलत आरोप के आधार पर या गलत परिवाद के आधार पर किया गया है अर्थात जब तक कि यह साबित न हो जाए कि उससे अभियुक्त के प्रति न्याय नहीं हो पाया है अर्थात सेक्शन फोर सिक्सटी फाइव के अंतर्गत आपराधिक न्यायालय के आदेश को या दंडादेश को वैलिड ठहराया जाएगा लीगल ठहराया जाएगा जब तक कि वास्तव में ऐसा प्रतीत न होता हो कि अभियुक्त के प्रति अन्याय हुआ हो मिसकरेज ऑफ जस्टिस हुआ हो तभी हम उस आदेश को अपीली न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को अपास्त करेगा सेटिसाइड करेगा कि यह मिसकरेज ऑफ जस्टिस है तो अगर परिवार पब्लिक सर्वेंट नहीं करता है इन मामलों में जैसे ओ का मामला है तो ऐसी स्थिति में वह केस 465 के अंतर्गत भी छम में नहीं होगा ये मैंने जो बताया सेक्शन 199 95 से लेकर के 199 तक संक्षेप में कि ये मजिस्ट्रेट के संज्ञान लेने की पावर पर परसीमा लगाते हैं लिमिटेशन है कि मजिस्ट्रेट ऐसी इन परिस्थितियों में धारा जो परिस्थितियाँ धारा एक से लेकर एक में बढ़ित की गई हैं उन परिस्थितियों के उत्पन्न ऐसी परिस्थितियों में संज्ञान केवल और केवल परिवाद पर योगान्यथा नहीं तो अब इसके बाद मैं एक स्लाइड आपको शेयर करने का प्रयास करूंगा जिसमें आप देखें कि कौन मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है मैंने इसको इस तरह से बताने का प्रयास किया है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान मैं इसको संक्षेप में इसको वाइंड अप करूँ उसके पहले इस स्लाइड के माध्यम से आप देखें कि कोई मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट जे एम सेकेंड मैंने इसमें लिखा है कोई भी जे एम सेकेंड जे एम सेकेंड, सेकेंड कोई भी जे एम फर्स्ट लेगा न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग दूसरा है जे एम सेकेंड जो सी जी एम के द्वारा प्राधिकृत हो ये कर सकते हैं अब इसको मैंने एक दो भागों में बांटा हुआ है कि सी आर पी सी की धारा चार सौ साठ चार 461 का उल्लेख करना यहां पर बहुत ही महत्वपूर्ण है कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट संज्ञान ले सकता है यदि अधिकारिता विचारण की अधिकारिता न रखने वाला न्यायालय संज्ञान लेता है तो उसका प्रभाव क्या होगा उसका प्रभाव वैध माना जाएगा वह हम दो धाराओं के माध्यम से इसे बताने का प्रयास करेंगे कि सीआरपीसी की धारा 460 सिक्सटी जिसमें प्रावधान किया गया है कि वे अनियमितएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं वे इरेगुलरिटीज जो कार्रवाई को वे वे जो कार्रवाई को दूषित नहीं करती हैं हाँ इरेगुलरिटीज विच डू नॉट विशिएट द प्रोसीडिंग्स यह सेक्शन फोर सिक्सटी सी आर पी सी में लिखा हुआ है अर्थात धारा सी आर पी सी की धारा चार सौ साठ के अंतर्गत जो लिस्ट दी गई है उन अपराधों के घटित होने पर या वे यदि 460 के दायरे में जो भी मामले आते हैं वे कार्रवाइयाँ न्यायालय की वेब प्रोसीडिंग या पुलिस की वेब प्रोसीडिंग इरेगुलर तो होगी लेकिन इलीगल नहीं होगी दो चीज़ें हमको ध्यान में रखना है आपराधिक मामलों में इरेगुलरिटी एंड इलीगैलिटी बोथ आर डिफरेंट थिंग तो इरेगुलर कार्रवाई होना इलीगल नहीं हो सकती है ये लिखा है 460 में अर्थात वे सभी जो सी की धारा फोर में उल्लेख जिन बातों का किया गया है वे कार्रवाइयाँ जुडिशियल प्रोसीडिंग इरेगुलर तो माना जा सकता है अनियमित तो माना जा सकता है लेकिन वह अनियमितता इतनी गंभीर नहीं होती कि पूरी की पूरी कार्रवाई को एक्सर्स न्यायालय की पूरी की पूरी, पूरी प्रोसीडिंग को शून्य बना दे सैटेसाइड कर दे उसी धारा 460 के अंतर्गत स्लाइड में आप देखें सेक्शन वन ए और वन वन बी लिखा हुआ है जबकि सेक्शन 191 ग जो है सी वाला पार्ट है यह यह सीआरपीसी की धारा चार के भीतर आ जाता है सेक्शन 461 में क्या लिखा हुआ है सेक्शन 461 सिक्सटी वन प्रावधानित करती है कि वे अनियमितताएं जो कार्रवाई को दूषित करती हैं अर्थात वे अनियमितताएँ जो कार्यवा वे अनियमितताएँ जो कार्रवाई को विशिएट कर देंगी अपास्त करने का आधार बन जाएगा यह सेक्शन फोर सिक्सटी वन में लिखा है तो आप मतलब इट्स इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू टू थिंक दिस दिस टू इम्पॉर्टेंट प्रोविज़न ये दो जो महत्वपूर्ण प्रावधान है सभी छात्रों के लिए जानना आवश्यक है सी आर पी सी को रेगुलेट करते हैं दो प्रावधान कंट्रोल करते हैं नियंत्रित करते हैं सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन कैसे मैंने इसको को रिलेट करने का प्रयास किया कि संज्ञान सेक्शन 460 और 461 के अंतर्गत अब देखें धारा एक सौ नब्बे एक के अंतर नब्बे एक क के अंतर्गत नब्बे एक ख के अंतर्गत सेक्शन 191 ए 191 बी दो दिया हुआ है जिसमें न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पुलिस परिवाद पर संज्ञान ले सकता है पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है यदि अधिकारिता न रखते हुए विचारण की अधिकारिता न रखते हुए कोई न्यायिक मजिस्ट्रेट परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेता है तो वह कार्रवाई रेगुलर हो सकती है फोर सिक्सटी वन फोर सिक्सटी में आ सकता है लेकिन वह पूरी कार्रवाई शून्य नहीं हो सकती है सेटिसाइड नहीं किया जा सकता है मात्र नियमितता के आधार पर लेकिन वहीं पर सेक्शन वन नाइन्टी वन सी के अंतर्गत जिसमें प्रावधान किया गया है कि कोई भी न्यायिक मजिस्ट्रेट स्वयं की जानकारी के आधार पर संज्ञान ले सकता है तो स्वयं की जानकारी के आधार पर संज्ञान लेते हुए यदि उसमें ट्रायल भी कर देता है तो ऐसी स्थिति में वह कार्रवाई न केवल इेगुलर होगी बल्कि दूषित भी मानी जाएगी और अपीली न्यायालय या पुनरीक्षण न्यायालय ऐसी कार्रवाई को अपास्त कर देगा शून्य कर देगा इसीलिए मैंने ये बताने का प्रयास कर रहा था क्या है सेक्शन 191 ग में इसको हम बोलते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस उसी धारा एक सौ इक्यानवे में ठीक एक सौ नब्बे के बाद एक सौ इक्यानवे में उसका रेमेडी दिया हुआ है कि जहाँ पर किसी न्यायिक मजिस्ट्रेट के द्वारा स्वयं की जानकारी के आधार पर संज्ञान लिया गया है वहाँ पर ऐसा अभियुक्त आवेदन दे करके उस मामले को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग से ट्रांसफर करा सकता है यह केवल और केवल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस मैंने उसमें देखिए लिखा हुआ है स्लाइड पर प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस कैसे यह प्रिंसिपल ऑफ़ नेचुरल जस्टिस आ गया वन नाइन्टी वन के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है यह यह नैसर्गिक विधि का सिद्धांत है कि नो मैन कैन बी अ जज नो मैन कैन बी अ जज इन हिज ओन केस कोई भी व्यक्ति अपने मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता है अपने मामले को डिसाइड नहीं कर सकता है तो जहां पर न्याय जहां पर न्यायिक मजिस्ट्रेट ने स्वयं की जानकारी पर संज्ञान लिया है और उसे अगर अलाउ कर दिया जाए कन्विशन करने का ट्रायल करने का तो यह बहुत संभावना है कि वह उस मामले में बायस होगा पक्षपातपूर्ण निर्णय देगा बायसड होगा इसलिए इसको दूर करने के लिए सेक्शन 191 सी की जो कार्रवाई है ग की कार्रवाई है वह धारा फोर सिक्सटी में रखा गया और एक सौ नब्बे एक क और एक सौ नब्बे एक ख की जो संज्ञान लेने के जो ग्राउंड हैं उसको सेक्शन फोर सिक्सटी में रखा गया है तो ये जो दो धाराएं अलग अलग हैं सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन इन दो धाराओं के माध्यम से ये बताने का मैंने प्रयास किया कि संज्ञान लेना यह न्यायालय के द्वारा अभियुक्त के विषय में दोषी या निर्दोष होने का निर्णय नहीं होता इसलिए अधिकारिता न रखने वाले न्यायालय के द्वारा भी यदि संज्ञान ले लिया जाए तो वैध माना जाएगा ये रेगुलर प्रोसीडिंग हो सकती है बट अवैध माना जाएगा और फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत चूंकि एक सौ नब्बे ग की कार्रवाई आती है इसलिए एक जो सी का है उसमें गंभीर उसका परिणाम गंभीर है इसीलिए उसमें जो लिस्ट जो जो भी मामले जो जो भी प्रोसीडिंग्स 461 के दायरे में आएंगी निश्चित रूप से वह सेट असाइड कर देगा अपीली न्यायालय पीलेट कोर्ट या पुनिश्चर न्यायालय उसको सेट असाइड कर देगा क्योंकि वह इरेगुलर भी होती हैं और उनका प्रभाव इतना गंभीर होता है कि अगर उसको न रोका गया तो उससे मिसकैरेज आप जस्टिस की संभावना होती है इसलिए फोर सिक्सटी वन के अंतर्गत जो कुछ भी मामले आते हैं वे अपीली न्यायालय के द्वारा अपास्त कर दिए जाते हैं स्वयं धारा फोर सिक्सटी वन में शब्दावली यूज किया गया है कि वे एक अनियमितताएँ जो कार्रवाई को दूषित करती हैं अर्थात प्रोसीडिंग को विशिएट करती हैं और शून्य करने का आधार हो जाती हैं तो मैं समझता हूँ कि इस स्लाइड के माध्यम से मैंने पूरे आ, आपराधिक मामलों में संज्ञान लिए जाने की प्रक्रिया का उल्लेख किया कोर्ट ऑफ कंगजेंस कौन कौन से न्यायालय संज्ञान न्यायालय कहे जा सकेंगे किन आधारों पर न्यायालय संज्ञान लेता है परिवाद पर पुलिस रिपोर्ट पर स्वयं की जानकारी पर मैंने बताया संज्ञान लेने की परसीमा क्या है सेक्शन फोर सिक्सटी एट बताया मैं इसको क्विकली वाइंड अप करूँ कंक्लूड करूँ लेक्चर को इसके पहले फोर सिक्सटी एट को बताया फोर सिक्सटी एट के साथ ही साथ मैंने Uh, 473 बताया उसके पश्चात मैंने बताया सेक्शन 195, 196, 197, 199 की परसीमा लेने पर जो है न्यायालय की क्या क्या परसीमाएँ हैं कि केवल स्पेसिफिक व्यक्ति विशेष के माध्यम के द्वारा किए गए परिवाद पर होंगी धारा एक से लेकर 199 तक के अंतर्गत न्याय आपराधिक न्यायालय की परसीमा आपराधिक न्यायालय की पर, पर संज्ञान लेने पर पर सीमाएँ लगाई गई हैं देन मैंने ये बताया कि सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन कैसे हिट होगा एक डायग्राम के माध्यम से बताने का प्रयास किया कि संज्ञान न्यायालय के द्वारा कब लिया जाता है किस स्थिति को संज्ञान परिवाद पर संज्ञान लेना कब न्यायालय के द्वारा कहा जाएगा यदि परिवाद पर संज्ञान न्यायालय नहीं लेता है संबंधित थाने को रेफर कर देता है वह कंप्लेंट और उस पर अन्वेषण करके चार आती है उसमें तो उसकी क्या प्रोसीजर क्या प्रक्रिया है इसको मैंने विस्तार से उसको भी डिटेल्स में बताने का प्रयास किया है तो मैं समझता हूँ और इस पर जो कुछ भी जो कुछ भी केस है वो भी मैंने बताने का प्रयास किया दृष्टांत बताने का प्रयास किया और इस तरह से मैं समझता हूँ कि संज्ञान लेने संज्ञान लेने की न्यायालय की शक्ति और धारा 460 सौ और धारा चार सौ इकसठ ये दो बहुत महत्वपूर्ण धाराएं हैं मैंने मैं बार बार इसको रिपीट करता हूं न केवल संज्ञान में बल्कि जितने भी सीआरपीसी के अंतर्गत जुडिशियल प्रोसीडिंग्स हैं उन जुडिशियल प्रोसीडिंग में सेक्शन 460 और 461 दोनों रेगुलेट करती हैं तो बेहतर ये होगा कि सभी छात्र सेक्शन फोर सिक्सटी के अंतर्गत लिखी गई बातों को पूरा मेमोराइज कर यादाश्त याद कर लें क्योंकि निश्चित रूप से जब कभी भी हम मुख्य परीक्षा के कोई भी आंसर लिखते हैं तो सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन का उल्लेख करना आवश्यक हो जाता है तब हम जा करके उस पर पूरा नंबर पाने का हकदार होते हैं इतना ज़्यादा सेक्शन फोर सिक्सटी फोर सिक्सटी वन इम्पॉर्टेंट है इसलिए मैंने उसको उस पर ज़्यादा हाईलाइट करने का प्रयास किया है और मैंने धारा एक सौ नब्बे एक ग को नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत से जोड़ने का प्रयास केवल इसीलिए किया कि नैसर्गिक न्याय के दो सिद्धांत हैं सुनवाई का अवसर प्रदान करना आरडीएल अल्ट्रम पार्टम बिना किसी व्यक्ति को सुने हुए दंडित न करना और दूसरा जो है कोई भी व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता कोई व्यक्ति स्वयं के मामले में न्यायाधीश नहीं हो सकता ये धारा एक सौ नब्बे एक गह का सबसे अच्छा उदाहरण है इसलिए मैंने प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल जस्टिस को यहाँ पे लिंक करने का प्रयास किया जिससे कि पूरी इंफॉर्मेशन आपको दी जा सके मे शब्दावली एक शब्दावली इसमें लिखा मे टेक कॉन्गिजेंस मैंने बताया कि समे ये सीआरपीसी की धारा एक सौ नब्बे एक के अंतर्गत लिखा हुआ है कि एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट मे टेक कॉग्निजेंस ऑफ आफ एनी ऑफेंस ये अंग्रेजी में लिखा हुआ है तो मे शब्दावली का जो प्रयोग है इस धारा एक सौ नब्बे के अंतर्गत यह दर्शित कर यह न्यायालय को विवेक देता है कि कोर्ट न्यायालय परिवाद पर या पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है डिस्क्रिप्शन है अगर शैल शब्दावली का उल्लेख किया गया होता तो निश्चित रूप से यह एक अलग स्थिति होती इसीलिए पुलिस रिपोर्ट अन्वेषण जो चार्जशीट है उसमें लिखी गई बातों को अक्षरसा मानने के लिए न्यायिक मजिस्ट्रेट बाध्य नहीं है यहाँ मे शब्दावली का मतलब यह है यह समझना है कि पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान लेने का मत संज्ञान अगर मजिस्ट्रेट लेता है तो मजिस्ट्रेट पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले सकता है धारा एक सौ नब्बे एक ख के अंतर्गत पुलिस रिपोर्ट पर न्यायालय संज्ञान लेने की पावर दी गई है परंतु वह मे अब्दावली से न्यायिक मजिस्ट्रेट को विवेकी शक्ति प्राप्त हो जाती है न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग पुलिस रिपोर्ट पर संज्ञान ले भी सकता है नहीं भी ले सकता है उसके उसके आधे भाग को स्वीकार कर सकता है पूरे के पूरे भाग को स्वीकार कर सकता है यदि न्यायिक मजिस्ट्रेट का पूरा डिस्क्रिप्शन है तो मैं समझता हूँ इसमें शब्दावली का प्रयोग एनी ऑफेंस कोई भी किसी अपराध का संज्ञान लिया जाना न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम और ये सभी इन्फॉर्मेशन मैंने पूरे विस्तार से आपको बताने का प्रयास किया और मुझे पूरा विश्वास है कि यदि आप इस पूरे इन्फॉर्मेशन को पूरे लेक्चर को ध्यान से सुनेंगे तो निश्चित रूप से प्रारंभिक परीक्षा मुख्य परीक्षा में आप निश्चित सफल होंगे यह मेरा एक्सपीरियंस अनुभव भी है और मैं अपने एक्सपीरियंस को इस माध्यम से साझा आपसे करने का प्रयास किया हूँ थैंक यू धन्यवाद